खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर में एनएच पर निकलना बेहद हानिकारक हो चुका है, क्योंकि यहां लोग जान हथेली पर लेकर निकलते हैं। गड्ढे इतने कि आप पैदल भी से पार नहीं कर सकते, और जब एक मरीज को इस रास्ते ले जाना हो तो समझो मुसीबत से कम नहीं। वहीं इसको लेकर कई सवाल भी उठे हैं। पुलिस प्रशासन की नाकामी पर सवाल है, जिसको लेकर जनता में आक्रोश है। बता दें, बिहार में मानसून का प्रकोप जारी है। इस बीच भागलपुर से कलेगांव और पीरपैंती तक NH-80 20 वर्षों से जख्मी पड़ा है। चाहे MLO हो या MP हो, आम जनता किसके भरोसे रहे, यह सवाल उठता है, क्योंकि लगातार इसी तरह की तस्वीर इस गांव की बनी रहती है। NH-80 के किनारे रहने वाले अजय कुमार JDU से MP है, तो वहीं ठेकेदार पवन यादव कलेगांव के BJP MLA है। और ऐसे में जब तस्वीर ऐसी होगी तो सवाल तो उठना ही है। जर्जर और खराब सड़क की वजह से हमेशा जाम की स्थिति रहती है, गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिसके चलते निकलना भी मुश्किल है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का आक्रोश भी फूटा है। NH के जर्जर होने के कारण कई लोग अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, तो प्रसूता एम्बुलेंस या बच्चों में नहीं ले जा सकते। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं जा पाते, यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलते हैं। भागलपुर सांसद अजय कुमार ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि जीतने के 90 दिनों के अंदर NH-80 को बदल देंगे, लेकिन जो वादा उन्होंने किया उसकी तस्वीर यह है कि अब तक हाल जो के त्यों ही है। आज से 2 महीना पहले देखे होंगे, इससे भी ज्यादा जर्जर स्थिति में था। आज उससे अच्छा स्थिति में है ना, तो इसी तरह सुधरते से सब सुधर जाएगा। कितना दिन में सुधरेगा? 2 साल में। क्योंकि जब तक कि रोड बन करके कंप्लीट है, उसका रोड बनाने का समय ही 2 साल दिया गया है। हम कहते हैं थोड़े 3 महीना के अंदर सुधर जाएगा, रोड बनाने में लगेगा 2 साल। 90 दिन में मैंने रोड बना दिया था, तो कहीं नहीं, समूचा भागलपुर से मिर्जा चौकी तक पीच हो चुका था। और 90 दिन में एक बार नहीं, 3 साल में मैंने 3 बार पीच करवाया। आप रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन है क्या कि रोड जिस समय बना था, ये आज से बहुत दिन पहले, 20-25 साल पहले, उस समय ये रोड मौत 6 चक्के का मानक का रोड था, और आज इस पर 28 चक्के का गाड़ी चलती है, वो रहेगा नहीं। लेकिन अब अगर 100 चक्के की भी गाड़ी चलेगी तो दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो बन रहा है वो 100 चक्के के मानक से बन रहा है। सर, हमें लगता है जब से लॉकडाउन लगा, उससे 2020 में लगा, उससे पहले भी रोड खराब था, लेकिन इतना खराब नहीं था सर जितना कि अभी आप लोग देख रहे हैं। हमको लगता है ये दीरा से खराब सड़क है। सर, हम चाहते हैं केंद्र सरकार में बैठे मंत्री लोग देखे, खासकर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी, जो कि विकास का बात करता है, उसको बताइए कि इसमें 5 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है, उसमें उसको पैदल चलवाइए एक दिन के लिए, उसको समझ में आ जाएगा बिहार कितना तरक्की कर रहा है और भारत कितना प्रगति पर है। ऐसा महसूस होता है कि शाम तक हम घर वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हमेशा मन में डर बना रहता है। हम मतलब क्या, सिर पर कफन बांध के चलना पड़ता है रोड पर, तब टपक जाए को ठिकाना। वही पैकेट की व्यवस्था के ऊपर सुधार जाए, ऐसे अभी मोटरसाइकिल वगैरह आता जाता है, लोग लड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, वो अगर भर दिया जाता है कुछ राहत रहेगा। उसी काम के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, आज सुबह से उसी में लगे हुए हैं हम लोग, जितना भट्टे हर भट्टे से रोड़ा पत्थर लेकर JCB से उसको क्लियर करवा रहे हैं।